हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं 8 और मैं मंडे को आई थी कोलकाता, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। बस से आई थी और उसके बाद बहुत इमरजेंसी थी, इमरजेंसी बोल सकते हैं या बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मेरे छोटे वाले मामा जी निधन हो गया था, तो मैं उन्हीं के काम में आई हुई थी, तेरवी का काम था। तो बस अब मैं वापस घर जा रही हूँ धनबाद, और मैंने कोलफील्ड एक्सप्रेस पकड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, देखिए बाहर अभी तो रात हो गई है, मैं खिड़की भी नहीं खोल सकती क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। बट कोलकाता में एकदम ठंड नहीं है धनबाद की तुलना में। मैंने तो स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ था, एकदम। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ पे, और फीवर हो गया, सर्दी जुकाम, काफ़ी टाइटनेस हो गया था और वीकनेस भी हो गया था। तो आज मैं घर जा रही हूँ, आयान को लेके नहीं आई थी, आयान का एग्ज़ाम चल रहा है, आयान को उसकी बुआ के पास छोड़ के आई हूँ मैं, तो अभी जा रही हूँ। और उसके बाद चलने के बाद आयान मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला है, इससे मिली कहाँ गई बहुत सारे सवाल करता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल जवाब होने वाला है। जितने मेरे हस्बैंड मेरे से सवाल नहीं करते हैं, उतना तो मेरा बेटा सवाल जवाब करता है। और मैं 10 बजे तक पहुंचूंगी धनबाद स्टेशन, उसके बाद वहां से मैं घर के लिए ऑटो या रिक्शा जो भी मुझे मिलेगा मैं लूँगी। इस साइड तो काफ़ी ठंड है लग रहा है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आसनसोल क्रॉस किया है, तो ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। चलिए और आगे जो भी होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगी, और मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि शहर में ऐसा ठंड है, क्योंकि जनवरी के मंथ में तो ठंड होने ही चाहिए, बट कोलकाता धीरे धीरे मुंबई होते चला जा रहा है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी बोल सकते हैं, या क्लाइमेट कुछ अलग है वहाँ का। तो धनबाद के क्लाइमेट और कोलकाता के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। तो मैंने जो फील किया, क्योंकि जब मैं धनबाद से आ रही थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वेयर की थी, स्वेटर, शॉल, सॉक्स, बहुत कुछ और भी था, बट यहाँ आई तो इतना ज़्यादा मुझे इरिटेशन होने लगा, गर्मी होने लगी, मतलब इतना पसीना आने लगा और चक्कर वगैरह भी आने लगा, एकदम पसीना लग रहा था कि एकदम घुट रहा है। लास्ट में मैंने स्वेटर वगैरह सब कुछ उतारा और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स, मतलब तो हम लोग धनबाद का क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से फिजिक्स रिकवर हो जाता है। तो क्या होता है कि आदमी जब एक जगह रहने लगता है तो दूसरी जगह क्लाइमेट थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो मैं धनबाद में रहते रहते धनबाद के क्लाइमेट के अनुसार वहाँ का जो भी गर्म ठंडा वो मैनेज कर सकती हूँ, बट अब कोलकाता का गर्मी बोलिए या ठंड बोलिए, ये मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, टफ होता है, क्योंकि यहाँ पसीना भी काफ़ी होता है और चिड़चिड़ाहट हो जाती है पसीने की वजह से। तो यही बताना चाह रही हूँ कि क्लाइमेट के अनुसार बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है, और वेदर चेंज होने से, पानी चेंज होने से तबीयत ख़राब भी होता है, जो मेरे साथ हुआ। मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई और फीवर भी था, आज मैंने दवा लिया, उसके बाद मैं थोड़ी फिट थी। आप लोग देख सकते हैं क्या हालत है। वही मेन मकसद जो था मेरा, जाना मामा जी के तेरवी के काम में, क्योंकि
मामा जी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई और मुंबई में वो रहते थे तो हम लोग काफ़ी सालों से नहीं मिले थे। मैं मुझे लग रहा है कि 20 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे हम लोग मामा जी से नहीं मिले थे। 20 साल के बाद मिली तो इस अवस्था में मिली कि मतलब क्या बताऊँ, उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसे में मिलेंगे क्योंकि मामा जो थे वो जॉली टाइप के इंसान थे। मतलब हंसना खेलना मतलब बच्चों के साथ रहते थे, हमेशा मजाक के मूड में रहना उनका ये नेचर था और जो भी बोलना होता था मुंह पे बोलते थे, मुंह पीछे बात नहीं करते थे किसी से भी। बहुत ख़राब लगा छोटे छोटे उम्र में सभी का चले जाना, बहुत ख़राब लगता है क्योंकि एक कम एज में तो बहुत कुछ। हमारे तो मामा जी थे, हमें इतना लग रहा है और जिनका जिनके हस्बैंड हैं जिनके फादर हैं उन लोगों को कैसा लग रहा हो, वो कैसा फील कर रहे होंगे। और मामा मामी जी मतलब उनकी जो बॉडी थी वो उन लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई से बाई फ्लाइट उनकी डेड बॉडी को लेके आई थी तो उस टाइम तो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा अभी तबीयत ख़राब चल रही है। जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चलती है अभी, कभी 2 दिन अच्छा है 2 दिन ख़राब, इसी तरह से चल रही है। यही कारण है कि मैं उस समय नहीं जा पाई थी, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम नहीं थे और मैं आयन को लेकर कैसे जाती, इधर बहुत ज़्यादा ठंड था मैं निकल नहीं पाई। तो मैंने सोचा ही था कि मैं उनके काम में ज़रूर पहुँचूँगी, कुछ भी हो जाए मैं काम ज़रूर अटेंड करूँगी उनका, क्योंकि उन्होंने हम लोग बहुत फ्रेंडली टाइप के थे, वो जाना तो एकदम जायज़ है और हम भगनी है तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूँ। सोचा नहीं था कभी कि इस तरह से हम लोगों का मिलना होगा। लास्ट टाइम जब मिलूंगी तो ये कंडीशन ये पोजीशन होगी। चलिए आई होप किसी के साथ ऐसा ना हो। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जुकाम हुआ है, दवा मैंने ली है बट अभी कंटिन्यू खाना है। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। मैं कल कोलकाता किस लिए आई थी, मैंने आप लोगों को इशारा शेयर किया कि मैं अपने मामा जी के तेरी के काम में आई हुई थी, मंडे को आई थी और आज जा रही हूँ घर। कल ही आई थी, कल मॉर्निंग में पहुँची थी मैं वहाँ से बस से आई थी क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हो गई थी और आयान की भी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाई। तो मैंने रात का बस पकड़ा था और सुबह यहाँ पे कोलकाता पहुँची लगभग 6 बजे के आसपास। उसके बाद मैं वहाँ पे गई जहाँ पे ये सब काम था, मामा जी के घर गई मतलब मेरे ननिहाल नानी जी के घर, वहीं पे सब ही रहते हैं मामा मामी और भी जो भी मामा मामी हैं सारे वहीं रहते हैं आसपास में। तो सबसे मिलना भी हो गया क्योंकि मेरा मिलना नहीं हो पाता, सब तो मिल लेते हैं क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ उन लोगों से, मैं धनबाद में हूँ बाकी सारे कोलकाता में ही हैं तो सभी तो मिल लेते हैं, मेरा नहीं हो पाता है। मैं कोई फेस्टिवल नहीं जा पाती हूँ या मेरे बच्चे की जब छुट्टियाँ होती हैं तो ही जा पाते, लेकिन इस साल तो नहीं जा पाई, ना गर्मी में जा पाई ना विंटर में जा पाई। तो देखती हूँ अब इसके बाद कब जाना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या बोलूँ, मुझे जाते जाते 10 बज जाएगा, उसके बाद मेरा जो डेली का रूटीन शेड्यूल जो भी है वो स्टार्ट होने वाला है। एक दिन थोड़ा मुझे रेस्ट हो गया और छुट्टी भी मिल गई घर से और सफ़र भी हो गया, बट आयन को छोड़ के आई हूँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसका एग्ज़ाम है तो क्या करूँ, उसको छोड़ना ही था मुझे, मजबूरी में छोड़ना पड़ा तो इसलिए उसे छोड़ा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और आप लोग भी मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं
सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मामा जी के लिए आप लोग भी यही प्रे करिएगा कि वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। आप यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मामा जी से ही बोल रही हूँ मैं, हम लोगों से जाने में तो कोई गलती आदमी नहीं करता है, अनजाने में ही गलतियाँ होती हैं। तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमसे जो भी गलतियाँ जाने अनजाने में हुई हैं, मामा जी हमारी गलतियाँ माफ़ करिएगा और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और आप जहाँ भी रहिए, जहाँ भी हों या जहाँ भी आप गए हों मामा जी, आप वहाँ पे हैप्पी रहिए। बस हम लोग यही प्रे करते हैं, मैं यही प्रे करती हूँ, कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, बस यही चाहते हैं कि जो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, खुश रहे। और आप तो हमारे बीच नहीं हैं अब तो, बट ऐसा आपका कुछ था कि सभी बहुत दूर दूर से लोग आए, मैं भी बहुत दूर रहती हूँ, जो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था, मेरे बच्चे की तबीयत भी ख़राब थी, एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया था, तो मैं भी आई। तो कहीं ना कहीं तो मतलब एक लगाव था, या जो भी बोलिए, बगनी मामा का जो भी प्यार बोलिए, जो भी था अटैचमेंट था, तो वो अटैचमेंट ही खींच लाया मुझे। ऐसे भी जो भी है, और कभी जाओ चाहिए मत जाओ, लेकिन इन सब चीज़ों में जाना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से, मतलब 20 में मेरे फादर की डेथ हुई, 21 में मेरे सास ससुर दोनों चले गए। तो जब सास ससुर गुजरे तो बहुत कुछ एहसास हुआ कि बड़ों का रहना या बड़ों का जो सिर पे हाथ होता है, गार्जियन एज अ गार्जियन, और मेरे फादर की भी डेथ के बाद मतलब क्या परिस्थिति होती है, तो बहुत टफ है कि जो लगाव होता है या जो भी है, बहुत मुश्किल है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा, उसके बाद बहुत कुछ सीखा कि दुनिया में कुछ नहीं है, बस आप जो कर्म करोगे ना, बस आपको उसी का फल मिलेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें देखकर मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि किसी का बुरा ना करूँ, किसी के साथ गलत ना करूँ, और अपना जो फर्ज है जितना हो सकेगा मैं निभाऊँगी, और देखती हूँ कहाँ तक क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मैं 10 बजे तक घर पहुँचूँगी, उसके बाद फिर मेरा वही डेली का रूटीन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, आप लोग अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखिएगा, और ब्लॉग पे बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं अभी धीरे धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। बस तो चलिए फ्रेंड्स, रखती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।